मेरी फाइन आर्ट हो चुका है मेरा चित्रकला महाविद्यालय कानपुर से। तो मेरा सब्जेक्ट है बुद्धा सब्जेक्ट। मैं बुद्धा सब्जेक्ट के बारे में पेंटिंग करता हूँ। ये बुद्धा सब्जेक्ट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम देखते हैं हिस्टोरिकल लाइक आज या फिर ऐसे बहुत सारे एक मुझे प्रेरणा मुझे मिलती है अजंता के तो मैंने भी ये सोचा कि क्यों ना मैं भी बुद्धा की सीरीज बनाऊँ। कैसे है अभी मुझे ऐसा लगता है कि सभी मन को बुद्धा की वर्ल्ड को जरूरत है क्योंकि अहिंसा से ही सब कुछ हो सकता है, हिंसा से नहीं होता, अहिंसा से होता। तो उनका जो संदेश है ये हमारे वर्ल्ड के लिए, मानव जाति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यही संदेश मैं मेरे पेंटिंग के जरिए सारे वर्ल्ड में कहना है। जैसे कि उनके जातक के बारे में कहना या फिर उनके जो मैसेजेस रहेंगे उसके हिसाब से तो मैंने जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे यहाँ पे अलग मुद्राएँ बनाई मुद्रा जैसे अभी धन मुद्रा है, धन मुद्रा है, आभि मुद्रा है या फिर भूमि स्पर्श मुद्रा है। इस मुद्रा का एक महत्व है कि मुद्रा मतलब हर एक मुद्रा का एक मीनिंग है। तो उस मीनिंग के हिसाब से अगर आप उनकी स्टडी करें तो हमें पता चले। लाइक अभी भूमि स्पर्श मुद्रा एक मुद्रा के बारे में आपको बता रहा हूँ। भूमि स्पर्श मुद्रा है जब भी भगवान बुद्ध जब तपस्या तो नहीं बोल सकते लेकिन ज्ञान साधना के लिए जो उनको ज्ञान प्राप्ति हो रही पूछता है तो एक मार राक्षस था, एक स्टोरी बता रहा हूँ। मार राक्षस आ गया और उनकी जो तपस्या है ना बंद करने लगा और तो बुद्ध के बुद्ध जी हटे नहीं है उनकी तपस्या जो है ना वो भंग नहीं हुई। तो वो क्या कर रहा उसने क्या कर लिया उसके जो सुंदर सुंदर जो बेटियाँ थी उसके सामने वो नृत्य करने ताकि ये सुंदर नारियाँ देख के उनका मन को विचलित हो सके। तो भी उनका मन विचलित नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया बांध छोड़ दिए, ऐसे अग्नि छोड़ दिए उनके ऊपर। तो जो बांध जाते थे उनके ऊपर तो उसे फूल भर के पास आते एक स्टोरी। तो फिर वो हार गया एक्चुअली। उन्होंने उनको रियलाइज हुआ कि मैंने इतना सारा करके भी इन्होंने कस कस के नस्त नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। वो मारा आई एम सॉरी मैं मेरी भूल हो गई, मैंने आपको कामों का तरफ दी लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ अगर आपका जो ज्ञान है ये भरोसा कैसे लोग करेंगे कि मैंने इतना कुछ मैं मार राक्षस हो गई आप नहीं मतलब मुझे मतलब उसके ऊपर हमने विजय प्राप्त कर लिया ये कैसे संभव है, लेकिन ये लोग कैसे भरोसा करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला है कि उनका जो जो है राइट हैंड है ना वो जमीन पे यानी पृथ्वी के पास उन्होंने टच किया और बोला कि ये पृथ्वी मेरी साक्षी है। ये है इसमें तो ऐसे है बहुत सारे पेंटिंग्स में जब भी मैंने कुछ स्केचेस बनाया है उसको बता रहे आशीर्वाद ब्राह्मण मुद्रा ये भाई मुद्रा में मैंने पति बनाई है पेंटिंग से और ये जो है ये उनका जीवन तो शुरू हो रहा है तो जब ज्ञान प्राप्ति हो गई पीपल बोधि वृक्ष के नीचे हो गई तो पीपल का जो है उनका विशेषता है उनके जीवन से मैंने पीपल के पत्ते जो उनका वस्त्र रहता है उसको बोलते हैं चीवर। तो मैंने चीवर के जगह पीपल के पत्ते यूज करे। मतलब लाइव पोर्ट्रेट बनाता हूँ मैं, कैर स्केच बनाता हूँ। जैसे कि अभी सामने मॉडल बैठेगा और मैं एक हार्डली 10 मिनट या बोले तो 10-15 मिनट में एक क्लियरली स्केच बना लूँगा।